सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाविस खान और आज हम इनके लिए कुक करने वाले हैं। ये रहा मीट, ये कुर्बानी का गोश्त है, आज हम इन्हें भी चखाने वाले हैं गोश्त। तो गाइस आज हम इसे कुक करेंगे कुकर में। और ये देखिए इशू कितनी क्यूरियोसिटी की तरह बैठी हुई है, कितना इनका मन कर रहा है गोश्त खाने का। देखिए सब बैठे हुए हैं किचन में, ये देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमें मटन को बॉईल करना है। कुकर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कुकर से जल्दी हो जाता है, है ना मम्मी, जल्दी बन जाता है ना कुकर से। तो झाड़ू के बाद में ले रखी है किस तो ये हमने कुकर में गोश्त डाल लिया है। अब अम्मी पानी कितना डालेगा इसमें, थोड़ा कितना तो गाइस एक कप इसमें पानी डालना है। आइडिया से आप भी अपने आइडिया से डाल सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे तो हमने देखिए जरा सा पानी लिया है, इसके अंदर ज़्यादा पानी लिया। और अब इसका ढक्कन लगा के हम इसे कर देंगे कुक होने के लिए, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब मम्मी हमारी हेल्प करेंगी, मम्मी से देखा नहीं जा रहा तो मम्मी अब हमारी हेल्प करेंगी। अम्मी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ रखा है, इस वजह से अम्मी कह रही मुझे वीडियो मत लाओ, बस मम्मी के हाथ याद दिखेंगे। ये देखिए आप भी अपने घर पे अपनी अम्मी की हेल्प ले सकते हैं जैसे मैं ले रहा हूँ, थोड़ा मनाना पड़ता है। तो ये देखिए हमने कुकर पे रख दिया है और हमारी स्नोई जेरी इंतज़ार करते हुए। और ये देखिए टॉम, माशाल्लाह देखिए 1 साल का हो गया है ये भी, और ये भी 7 जुलाई को 1 साल के हो गए। और ये हमारी क्रिस्टल, ये जो है ये क्रिस्टल इन दोनों की मम्मी है, इसकी और इसकी। और ये जो इश्यू है ये इसकी मम्मी है, और जो ये मैक्स है ये सबके पापा हैं, ये घर के राजा। इश्यू अभी इंतज़ार कर रही है, ये है रानी, मैक्स है राजा, और ये सारी इनकी प्रजा है। तो गाइस गोश्त जब कुक हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। देखो ख्याल बस आपको ये रखना है कि आपको कच्चा गोश्त नहीं खिलाना बिल्ली को। अगर आपको कच्चा खिलाने भी, तो जैसे मैंने फ्रीज़र में से निकाला है, आपको भी कम से कम 24 घंटे उसे फ्रीज़ करना है, जिसके वजह से जो भी बैक्टीरियाज जो भी वायरसेस होंगे वो मर जाएंगे इसके अंदर से। और देखो मैं तो यही कहूँगा जो सेफ फॉर्म है वो कुक्ड फॉर्म है, तो आप अपनी कैट को कुक ही करके दें। तो फिर अब हम मिलते हैं कुक होने के बाद। ये देखिए टॉम से सबर नहीं हो रहा है, ये देखिए कैसे खड़ा है और यहाँ पे कुकर रखा है, इससे इंतज़ार नहीं हो रहा, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है गोश्त खाना, तो अब इससे इंतज़ार नहीं हो रहा। तो हम जल्दी इसे कोशिश करेंगे बनाने की। और ये देखिए मैक्स आ गया राजा घर का, मैशी द किंग ऑफ द हाउस। और ये देखिए सिम्बा है, इसको आप देखते ही पहचान जाओगे। ये देखो इसके टीथ देखो शिमी, ये देखो कितना प्यारा है, देखो शिमी देखो कितना प्यारा बच्चा है। ये देखो आप सब खड़े हो गए। वैसे मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो मैक्स है ये वेजिटेरियन है, ये गोश्त नहीं खाता, ये वेजिटेरियन भी नहीं है, वीगन है, ये कुछ भी नहीं खाता, ये खाली सब्जियों से बना खाना खाता है, इसने शपथ ले रखी है। और सिम्बा जो इसका बेटा है इसने भी शपथ ले ली है कि मैं भी नहीं खाऊंगा अपने पापा की तरह। लेकिन ये जो ये है ना वाइट वाले, और ये इशू टॉम और ये हमारे किट्टो, इन्होंने शपथ नहीं ली, ये पक्का मांसाहारी है। तो गाइस एक सीटी लगने के बाद हम इसे बंद कर देंगे और फिर इसकी स्टीम से ही ये कुक हो जाएगा अपने आप। ये देखो दोस्तों ये हमारा गोश्त हो गया रेडी एकदम, और कितना बढ़िया देखो स्टॉक बना और कितने बढ़िया तरीके से गला है कुकर का। यही फ़ायदा होता है, बहुत कम टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से गोश्त को गला देता है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर अपने कैट्स को खिलाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए मटन हो गया एकदम रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हड्डी तो निकाल लेंगे और जो बोनलेस पीस होंगे उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे हमें पीसेस में कर लेना है जिससे इजीली ये खा सकें, और हड्डी आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, हड्डी नहीं देनी है अपनी कैट्स को। तो अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं और फिर अपनी कैट्स को देते हैं। तो दोस्तों इनसे सबर नहीं हो रहा बच्चों से हमारे, तो हमने देखे इतने छोटे छोटे पीस कर लेना है। और ये देखिए जेरी टॉम
ये देखे दोनों जुड़वा भाई कैसे खड़े हुए खाने के लिए। ओए ज्यादा ऊपर कर रखा है मैंने, ये देखिए खा लिया। ठीक है ये देखिए अब हम खिलाएंगे टॉम को। यस टॉम वेरी गुड वेरी गुड। एंड ये बारी अब इशू की, ये देखिए कैसे खा रही है। तो गाइस हमारा ये रेडी हो गया, कुक होने के बाद ठंडा करने के बाद छोटे छोटे पीस में इसे करके आप अपनी कैट्स को खिला सकते हैं। और आपका जो कैट नहीं खाता गोश्त खाने की उसे आदत नहीं है, तो आप क्या कर सकते, जो छोटे छोटे मटन के पीस हैं उसे क्रीमी ट्रीट में मिला सकते हैं और अपने कैट को दे सकते हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर खाएगा और हेल्दी रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।